वाटर एनालिसिस के आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जिससे किसी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदला जाता है, या डीआयोनाइज्ड करके सभी कैटायन और एनायन रिमूव करके प्योर वाटर बनाया जाता है। तो पढ़ते हैं हम लोग आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन वाटर आर रिप्लेस्ड विद हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस रिस्पेक्टिवली थ्रू द आयंस एक्सचेंज रेजिन्स। तो इस विधि में क्या करते हैं, एक आयन एक्सचेंज रेजिन होती है जो पॉलीमेरिक कंपाउंड है, जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जितने भी वाटर में कैटायंस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आयन, उन सबको रिमूव कर देता है, और हाइड्रोक्सिल आयन जितने भी एनायंस होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, इनको रिप्लेस कर देता है। तो इस प्रकार जो वाटर मिलता है उसमें किसी प्रकार के भी आयंस नहीं होते हैं। द आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्रॉस लिंक्ड लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स विद अ माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। और आयन एक्सचेंज रेजिन क्या होते हैं, ये एक प्रकार के लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, को पॉलीमर्स होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जिसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं, छोटे 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 बहुत छिद्र होते हैं जिनके थ्रू वाटर पास हो सकता है। एंड द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड टू द चेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी। और उनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिस फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, ये आयन एक्सचेंज रेजिन कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली केटाइन एक्सचेंज रेजिन, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन होता है जिससे कि केटाइंस रिमूव होते हैं। दे आर मेनली स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन को पॉलीमर्स। ये एक प्रकार के स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन को पॉलीमर हैं, विच ऑन सल्फोनेशन हैविंग SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहलाता है ये, और कार्बोक्सिलेशन हैविंग COOH ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है, बिकम कैपेबल टू एक्सचेंज देयर हाइड्रोजन आयंस विद केटायंस इन द वाटर। इस तरह से सल्फोनिक एसिड ग्रुप का हाइड्रोजन आयन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का हाइड्रोजन आयन, इनकी प्रेजेंस की वजह से जब हार्ड वाटर को या रॉ वाटर को पास किया जाता है, तो केटायन यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं हाइड्रोजन की जगह पर, और हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है। दूसरा होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन, R-OH, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसेबल होता है। दे आर द स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन एंड एमीन फॉर्मेल्डिहाइड को पॉलीमर्स। ये भी एक प्रकार के को पॉलीमर हैं, विच कंटेन्स एमिनो और क्वार्टरनरी एमिनो ग्रुप्स, अमोनियम ग्रुप्स। तो ये क्वार्टरनरी अमोनियम ग्रुप होते हैं या एमिनो ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से इनका भी नेचर बेसिक होता है। जब इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है, तो इनके पास हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेसेबल आ जाते हैं, जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट को रिप्लेस कर देते हैं। दीज आफ्टर ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन बिकम कैपेबल टू एक्सचेंज देयर OH आयन विद आयंस ऑफ इन द वाटर। इस तरह से जब केटायन एक्सचेंजर से पास करते हैं वाटर को, तो सभी केटायंस रिमूव हो जाते हैं, और जब एनायन एक्सचेंजर से पास करते हैं वाटर को, तो सभी एनायन रिमूव हो जाते हैं। केटायन एक्सचेंज रेजिन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये एक पॉलीमर है, स्टायरीन विनाइल का पॉलीमर, जिसके अंदर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है H2SO4 से ट्रीटमेंट करने के बाद। दूसरा एनायन एक्सचेंज रेजिन है, ये भी स्टायरीन विनाइल ग्रुप का पॉलीमर है, और इस पॉलीमर में CH2NME3+OH- क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ ME लग रहा है, वो मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरह से जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो रिप्लेसेबल है, इसमें हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल है, यहाँ पर केटायन एक्सचेंज हो जाते हैं और यहाँ पर एनायन एक्सचेंज हो जाते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस का ये एक लाइन डायग्राम बना हुआ है, जिसके अंदर एक ये केटायन एक्सचेंजर है, दूसरा ये एनायन एक्सचेंजर है। हार्ड वाटर को जब केटायन एक्सचेंजर से पास करते हैं, तो जितने भी केटायन हैं वो इस केटायन एक्सचेंजर बेड पर ट्रैप हो जाते हैं, और जो वाटर पास होता है अगले स्टेप में, उसमें एक्सेस हाइड्रोजन आयन होते हैं, फिर उसे इस पंप से दूसरे एनायन एक्सचेंजर में भेजा जाता है। यहाँ आने पर जितने भी एनायंस हैं वो ट्रैप हो जाते हैं,
बदले में हाइड्रोक्सील आयन प्रोड्यूस होता है, तो हार्ड वाटर जो यहाँ से चला, केटायन यहाँ रिमूव हो गए, हाइड्रोजन आयन लेकर के वाटर आगे बढ़ा, एन आयन यहाँ रिमूव हो गए, हाइड्रोक्सिल आयन मिला, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिल करके वाटर बना लेते हैं, और प्लस जो हार्ड वाटर था वो सॉफ्ट हो गया, रॉ वाटर से जितने भी केटायन और एन आयन थे रिमूव हो गए, फिर यहाँ से लोअर आउटलेट से जो वाटर निकलता है वो सॉफ्ट वाटर या डी आयोनाइज्ड वाटर कहते हैं रिमूव होता है। इसमें दो पार्ट और दिखाए गए हैं रीजेनरेशन के लिए, जब ये बेड एग्जॉस्ट हो जाती है, सभी हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाते हैं केटायन से, तो इसको रिचार्ज करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से फिर से रिचार्ज किया जाता है। उसी तरह से जब पूरे क्लोराइड ब्रोमाइड नाइट्रेट से हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव हो जाते हैं तो एनायन एक्सचेंजर एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको रिचार्ज करने के लिए एल्केलाइन रीजनरेटर से हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन पास करने से ये दोबारा रीजनरेट हो जाती है। वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग ऑफ केटायन एक्सचेंजर, रॉ वाटर इज फर्स्ट पास्ड थ्रू केटायन एक्सचेंजर एंड द रिमूवल ऑफ केटायंस लाइक कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन एटसेट्रा टेक प्लेस। तो जब हार्ड वाटर को केटायन एक्सचेंजर से पास करते हैं तो उसमें केटायंस कैल्शियम मैग्नीशियम इसके अलावा और भी बहुत सारे आयरन वगैरह होते हैं, जिंक मैग्नीज कोई भी केटायंस होंगे वो सभी रिमूव हो जाएंगे एंड इक्वलेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस कॉलम टू वाटर, तो और बदले में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्शन हो गया, ये जो आर एच से रिप्रेजेंट किया गया है केटायन एक्सचेंजर को, कैल्शियम आयन है, इसने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दिया और केटायन यहाँ पर ट्रैप हो गया। इसी तरह से केटायन एक्सचेंजर से जब मैग्नीशियम पास हुआ तो मैग्नीशियम ट्रैप हो गया और बदले में हाइड्रोजन आयन मिला। वर्किंग ऑफ एनायन एक्सचेंजर, आफ्टर केटायन एक्सचेंज कॉलम द हार्ड वाटर इज पास्ड थ्रू एनायन एक्सचेंज कॉलम विच रिमूव्स ऑल द एनायंस लाइक सल्फेट क्लोराइड एटसेट्रा प्रेजेंट इन द वाटर एंड इक्वलेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस कॉलम टू वाटर। आर डैश ओ एच से रिप्रेजेंट किया गया है एनायन एक्सचेंजर को, जब वाटर क्लोराइड पास किया जाता है तो क्लोराइड ट्रैप हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो गया। उसी तरह से सल्फेट आयन यहाँ पर एनायन एक्सचेंजर के साथ ट्रैप हो गया और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो गया। क्लोराइड सल्फेट के अतिरिक्त कार्बोनेट नाइट्रेट ब्रोमाइड जितने भी और एनायंस होंगे वो सभी रिप्लेस हो जाएंगे और एडिशनल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता है। डी आयोनाइज्ड और डी मिनरलाइज्ड वाटर, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज्ड फ्रॉम केटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज कॉलम्स रिस्पेक्टिवली गेट कम्बाइंड टू प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। तो जो वाटर पास किया गया था वो वाटर तो अपने केटायन और एनायन को एक्सचेंज करता हुआ आगे बढ़ा, मगर बदले में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर बनाते हैं। वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सचेंजर इज फ्रॉम केटायंस एज वेल एज एनायंस, आयन फ्री वाटर इज नोन एज डी आयोनाइज्ड और डी मिनरलाइज्ड वाटर विच इज़ द प्योर वाटर। इस तरह से जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस से वाटर प्राप्त होता है उसमें केटायन और एनायन किसी भी प्रकार के सॉल्युबल केटायन एनायन नहीं होते हैं, ऐसे वाटर को आयन फ्री वाटर कहते हैं या डी आयोनाइज्ड वाटर कहते हैं या डी मिनरलाइज्ड वाटर कहा जाता है, जो कि एक प्योर वाटर है। रीजनरेशन ऑफ आयन एक्सचेंजर, द केटायन एंड एनायन एक्सचेंजर्स आर सेट टू बी एग्जॉस्टेड और डिस्चार्ज्ड व्हेन हाइड्रोजन आयंस ऑफ केटायन एक्सचेंजर एंड हाइड्रोक्सिल आयंस ऑफ एनायन एक्सचेंजर्स आर कम्प्लीटली एक्सचेंज विद केटायंस एंड एनायंस ऑफ रॉ वाटर रिस्पेक्टिवली। कब कहेंगे कि एक्सचेंजर एग्जॉस्ट हो गया है, जब केटायन एक्सचेंजर का सभी हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाए और एनायन एक्सचेंजर का सभी हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस हो जाए। तो ये जब दोनों रिप्लेस हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि जो आयन एक्सचेंजर है वो एग्जॉस्ट हो गया। अब एग्जॉस्टेड आयन एक्सचेंजर को रीजनरेट करने के लिए क्या करेंगे,
रीजनरेशन ऑफ केटायन एक्सचेंजर इज कैरीड आउट बाई पासिंग डाइल्यूट HCl और H2SO4 सॉल्यूशन टू द बेड. तो केटायन एक्सचेंजर को अगर रीजनरेट करना है तो उसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन पास करेंगे तो इनके जो हाइड्रोजन आयन हैं वो उन्हें फिर से रीजनरेट कर देंगे. जैसे ये एग्जॉस्टेड आयन एक्सचेंज है, इसके अंदर जब हाइड्रोजन आयन पास हुआ तो फिर से ये रीजनरेट हो गया. द एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज कॉलम इज रीजनरेटेड बाई पासिंग ए सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट NaOH. इसी तरह से आयन एक्सचेंजर को जब एनायन एक्सचेंजर को जब रीजनरेट करना होता है तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सोल्यूशन पास करते हैं R2SO4. ये एग्जॉस्टेड आयन एक्सचेंजर है और इस एनायन एक्सचेंजर को रीजनरेट करने के लिए जब हाइड्रोक्सिल आयन पास किया गया तो ये रीजनरेट हो गया. द रीजनरेटेड आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर देन यूज्ड अगेन. इसको हम फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं. एडवांटेजेस: हाईली एसिडिक और अल्कलाइन वाटर सैंपल्स कैन बी प्योरीफाइड बाई दिस प्रोसेस. तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस की ये प्रॉपर्टी है, जैसा कि जियोलाइट में पढ़ा गया था कि अगर एसिडिक सोल्यूशन पास कर देंगे तो जियोलाइट बेड उससे रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके जियोलाइट बेड डैमेज हो जाएगा, मगर यहाँ ऐसा नहीं है. हाईली एसिडिक और हाईली अल्कलाइन वाटर के सैंपल को भी प्योरीफाई किया जा सकता है. ऑलमोस्ट कम्प्लीटली प्योर वाटर इज ऑब्टेंड. इस मेथड से जब वाटर को ट्रीट किया जाता है तो उसमें जितने भी केटायन एनायन डिजॉल्व थे वो सब रिमूव हो जाते हैं और कम्प्लीटली प्योर वाटर प्राप्त होता है. द डी आयोनाइज वाटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉयलर्स. बॉयलर्स में हम जानते हैं वाटर का यूज़ किया जाता है स्टीम जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए टर्बाइन पर यूज़ करके. मगर बॉयलर में अगर हम प्योर वाटर यूज़ ना करें या ट्रीटेड वाटर यूज़ ना करें तो उसमें अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं. इसमें स्केल जम जाती है, स्लज फॉर्मेशन होता है जो उसके सर्विस लाइफ को कम कर देता है और एफिशिएंसी भी कम कर देता है बॉयलर की. सो डी आयोनाइज्ड वाटर इज़ वेरी सुटेबल फॉर बॉयलर्स. डिसएडवांटेजेस: इस आयन एक्सचेंज प्रोसेस के ज़रूर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. उनमें से है कि द आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर एक्सपेंसिव, हेंस द कॉस्ट ऑफ प्योरीफिकेशन इज़ हाई. तो जो मटीरियल यूज़ किया जा रहा है, जो पॉलीमर यूज़ किया जा रहा है वो महंगा होता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. एंड रॉ वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज लेस देन 10 PPM, अदरवाइज एक्सचेंजर बेड विल बी ब्लॉक्ड. क्या बताया था पहले कि ये इसमें माइक्रोपोर्स होते हैं, उन माइक्रोपोर्स में अगर सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जा कर के फंस जाता है तो ब्लॉक हो जाएगा एक्सचेंजर. इसलिए जो वाटर यूज़ करना है वो फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होना चाहिए, किसी प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स में नहीं होना चाहिए. तो ये इसकी डिसएडवांटेज है. इस तरह से आपने पढ़ा कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस में किस तरह से वाटर को डी आयोनाइज किया जाता है केटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर के माध्यम से. थैंक यू.